आज जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है, राइट। पी आपका प्रिंसिपल है, सम जो शुरू में चाहिए, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम, टाइम शुड बी इन ईयर्स। अब इस फॉर्मूले पे तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना कर लिया, लेकिन अब आपके क्वेश्चन है जहां पे आपको पी आर और एन यानी टी टाइम निकालना होगा। हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अब जैसे आपका ये 13th क्वेश्चन है, इन व्हाट टाइम विल सम इतना एट इतना परसेंट कंपाउंड एनुअली अमाउंट टू इतना, सॉरी टाइम वाला है ये। तो अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन हमें फाइंड आउट करना है, सम यानी ये पी दिया है और ए दिया है और रेट दिया है पर एनम, ये करना है। पहले जो गिवन है वो नोट डाउन कर लो। अब ए दिया है तो ए वाला फॉर्मूला हम लिख लेंगे, जो हमें चाहिए हम वो नोट डाउन कर लेंगे। 64805020/100 एन, इसको लोएस्ट टर्म में ले जाओ सॉल्व करने के लिए। 5/6/5 रेस, यहां तक आप आ गए। आपको क्या करना है, यहां पे बेस सेम करना है और बेस आपको सेम मिलेगा ही मिलेगा, क्वेश्चन ऐसे होंगे। बेस सेम करना है, जो पावर आएगी एन की वो आपका टाइम हो जाएगा। फिर बेस सेम हो गया तो एक्सपोनेंट भी सेम होंगे। ये देखिए, जब आप इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके गए, ये दोनों की भी पावर सेम होगी। 216 है 6 की पावर 3, ये 5 की पावर 3, आ गया 6/5। आप यहां से ही हिंट लो, इसी से मिलेगा आपको आंसर। कहां से, ये बेस यहां आएगा ही आएगा, सिंस बेसिस आर सेम सो द एक्सपोनेंट मस्ट बी, एंड तो एन आपका आ गया 3 इयर्स, ये आपका आंसर आ गया। 11th क्वेश्चन, इसमें रेट निकालना है। ओके, अब इसमें क्या दिया है, मैं सीधा फॉर्मूले में पुट कर रही हूं, आप पूरी वैल्यू लेना जैसे पहले क्वेश्चन में था। ए हमारा कब सम इतना कंपाउंडेड टू इतना इन 3 इयर्स, ओके कंपाउंडेड टू इतना, ये आपका आ गया। रेट निकालना है हमें, एन कितना है 3। पहले वाले क्वेश्चन में हमने बेस सेम किया था, इसमें हम पावर्स सेम करेंगे और बेस पे इक्वेट करेंगे, ये डिफरेंस है। इसकी पावर 3 होनी चाहिए, ये 8 की पावर 3 है, हिंट भी ले लेना। 4 × 4 × 4 64 होता है ना, तो ये 40 है और ये 41 ही होगा, आप चेक कर लेना खुद। 41 करोगे ना, 1 × 1 × 1 है रहा एंड में, या तो 1 पे आएगा या 9 पे आएगा, 49 नहीं हो सकता, नहीं 49 भी नहीं, 1 पे ही 1 होता है शायद, ये आप खुद चेक कर लेना। अब देखिए बेसिस सेम हो गए, अब आपकी ये इक्वेशन बन गई, 1 उधर जाके माइनस कर दोगे, ये आ गया 1/40, आर इज 100/40। भाई कैलकुलेशन आप खुद चेक कर लेना, मैंने तो ये अंदाजे से ले लिया लेकिन मेरे ख्याल से ये ठीक है, लेकिन आप एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, यहां तक मेथड में कोई मिस्टेक नहीं है। 8th क्वेश्चन, सर्टेन सम यानी इसमें पी निकालना है, तो पी को हम एक्स ले लेंगे। ओके, अब ए आपका ये है, पी हमें निकालना है, रेट हमारा 9% है, टाइम हमारा 2 इयर्स है। आपको क्या करना है, अब इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व करना, ये आएगा 109/100 रेस टू द पावर 2। अब ये उधर जाएंगे तो साइड आपकी चेंज हो जाएगी, 100/109 आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल में आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। देखो ये क्वेश्चन तो ईजी है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना पता नहीं होता कि पी दिया है, ए दिया है या सी आई दिया है, ये तुम्हें श्योर होना पड़ेगा। हो सकता है अमाउंट ना देके तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो तो ये क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। भाई मान लो मैंने आपको यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया 100 रुपीज, तब ये क्या होगा आपका, तब ये आपका हो जाएगा। इसको सॉल्व मत करना, मैं रैंडमली ले रही हूँ तो इनमें कैलकुलेशन का होता है, बस समझा रही हूँ। तब हमारा अमाउंट होगा पी प्लस
सी आई यानी 100 प्लस एक्स, तो तब हमारी ये इक्वेशन बनेगी 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये बनेगी। अब इसमें आप आर और एन की वैल्यू पुट करके फिर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका जाके फिर एक्स आएगा प्रिंसिपल। तो ये ध्यान रखना कि इन तीनों में से आपको क्या दिया है। 15th क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई, सी आई एंड एस आई सर्टेन सम पे आपको दिया है ये 283.50 डिफरेंस दिया है, सर्टेन सम ऑफ मनी एट 15%, इसमें आपका पी सेम है, रेट आपका 15% है, आपको निकालना है यही पी, टाइम दिया है, सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स ये दिया है आपको। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं लेकिन मैं लीनियर इक्वेशन के तरीके से आपको करा रही हूँ, और बुक में एग्जाम्पल में भी दो तरीके हैं। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ए माइनस पी, ए हमारा फॉर्मूला यही है ए का, मैं सीधे फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ वैल्यू, माइनस एक्स ये है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए ये क्या आएगा 3, 5, 3 are 2, 23/20^3x-x, आप इसे सॉल्व करके सीधा x में ले आओगे, सीधा ये नंबर सॉल्व हो जाएंगे ना, x कॉमन चला जाएगा, राइट ये वैल्यू सॉल्व हो गई, ये x में आ गया। सी आई क्या होता है, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये हो गई, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, इस इक्वेशन में पुट कर दो ये जो यहां वैल्यू आएगी, और इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा।